खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। चंडीगढ़ में सीबीआई ने डेपुटेशन पर तैनात हुए आईपीएस अधिकारी पर संगीन आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय की गई शिकायत के मुताबिक आईपीएस अधिकारी अखिलेश कुमार चौरसिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं। अखिलेश कुमार चौरसिया पर आरोप है कि सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर ये लड़कियों से दोस्ती करता है और फिर उन्हें शादी का झांसा देता है। ऐसा इसने कई महिलाओं के साथ किया है। हैरानी की बात तो ये है कि एक समय में अखिलेश चौरसिया के कई महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं। अखिलेश चौरसिया की पूरी कारगुजारी का खुलासा इसकी पत्नी ने किया है। इसकी पत्नी दिल्ली में टैक्स विभाग में अधिकारी हैं। इन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अपने पति की शिकायत की है, जिसमें इन्होंने अखिलेश चौरसिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। वहीं बता दें आपको कि गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अखिलेश चौरसिया की शिकायत की गई है। इस चिट्ठी की कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, सीबीआई के निदेशक और महिला आयोग के अध्यक्ष को भी भेजी गई है। आरोपी सीबीआई अधिकारी अखिलेश चौरसिया लखनऊ का रहने वाला है और इस वक्त चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर सीबीआई में है। बता दें आपको कि अमित शाह को लिखी गई इस चिट्ठी में क्या है। इस चिट्ठी के मुताबिक 2009 बैच का आईपीएस अधिकारी अखिलेश चौरसिया शुरुआत से ही कई महिलाओं से संबंध रहे हैं। ये सोशल मीडिया और अपने फ़ोन के जरिए इन महिलाओं से संपर्क में रहता है। अपने पद का रुतबा दिखाकर ये भी किसी भी लड़की या महिला से दोस्ती करता है। उनकी मदद करने के बहाने उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अखिलेश चौरसिया पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद भी कई महिलाओं से अखिलेश चौरसिया के नाजायज़ संबंध हैं। इसकी विक्टिम 18 साल से लेकर बड़ी उम्र तक की महिलाएँ रही हैं। अखिलेश चौरसिया पर यह भी आरोप है कि अपने ऑफिशियल ट्रिप के बहाने ये लड़कियों से मिलने जाता रहा है। अपने ऐसे ही पर्सनल ट्रिप के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल भी करता रहा है। विमला बाथम जी, यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। विमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विमला जी, एक बड़ा प्रकरण आया है। इस अधिकारी की पत्नी ने ही उनके खिलाफ गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और बहुत सी बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। आपका रिएक्शन चाहूंगा सबसे पहले इस पर। नहीं देखिए, ऐसा आया कि चिट्ठी लिखी उन्होंने तो कोई ना कोई कहीं जरूर बात होगी। महिला आयोग की भी चिट्ठी लिखी गई है, मैं इस बात का भी जिक्र कर लेता हूँ आपसे, फिर आप अपनी बात को रखें। जी जी, चिट्ठी आ गई हमारे यहाँ जी। क्या उस चिट्ठी में है जरा बता पाएंगे आप, किन किन बातों का उन्होंने जिक्र किया है? नहीं, उन्होंने यही जो आप बता रहे यही सब जिक्र है उसमें डिटेल में जी। और हम समझते हैं कि अगर इसमें इससे गहरी छानबीन होनी चाहिए। अगर कहीं कोई भी सत्य है, कहीं पर किसी साक्षी में मिलता है, सत्यता है, तो बहुत कठिन कठोर दंड उनको मिलना चाहिए जी। और पहले तो सबसे पहला विषय ये है कि इसकी गहन छानबीन होनी चाहिए जी, कि जो एलिगेशन चिट्ठी में लगाए गए हैं वो बहुत ही असाधारण है, साधारण नहीं है जी। और एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी पर लगाए गए हैं जी, जो यहाँ नहीं चंडीगढ़ में पोस्टेड है आजकल जी। तो हमारे यहाँ ये भी थोड़ी दिक्कत होती है कि यूपी और चंडीगढ़ दो स्टेट हो गए हैं, इसलिए भी थोड़ा सा हमें मैटर सॉल्व करने में दिक्कत आई जी। और लेकिन फिर भी उस पर भी हम काम करेंगे उस पर। तो हमारा मानना यह है कि अगर अखिलेश चौरसिया पर पत्नी ने इतना संगीन आरोप लगाया है तो क्यों लगाया है? अगर कोई बात है उसमें तो उसकी गहन जांच होनी चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए जी। और अगर नहीं है कोई बात, पूर्वाग्रह से ग्रसित है या क्या बात है, ये तो जांच के बाद ही विषय पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर कोई ऐसा है जैसा उन्होंने इल्जाम लगाए हैं तो दंड की प्रावधान ही होना चाहिए, चाहे वो कितने बड़ा अधिकारी क्यों ना हो जी। उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए जी।
विमला जी एक चीज और, क्योंकि जो आरोप है मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। शुरुआत से ये बताया जा रहा है अखिलेश चौरसिया कई महिलाओं से उनके संबंध रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपने फोन के जरिए महिलाओं से संपर्क में रहता था और अपने पद का भी दुरुपयोग दिखाता था, दुरुपयोग पद का करता था और किसी भी लड़की से दोस्ती करता था और उससे मदद करने के बहाने फिर उसका नाजायज फायदा उठाता था। यहां तक बात पहुंची। आप देखिए एक अधिकारी इतनी बड़ी पोस्ट जिनका एक रुतवा है, जिन पर जनता का भरोसा है, वही ये सब कर रहे थे। तो ये एक बहुत चिंता का विषय, सोचने का विषय है कि अगर अधिकारी ऐसा करने लगेंगे तो आम जनता का क्या होगा। जी, जो रखवाले हैं कानून के, अगर वही ऐसा करेंगे तो आम जनता क्या करेगी। अगर इनकी पत्नी के एलिगेशन सही है तो बहुत ही बड़ा जुर्म है जी, और सत्ता नहीं है तो बरी हो जाएंगे, वो दूध को दूध पानी पानी हो जाएगा। साक्ष्य इकट्ठे हो, साक्ष्य इकट्ठे हो इन्होंने दे दिए इनकी पत्नी ने, उसके आधार पर विवेचना हो जाएगी पूरी। विवेचना जल्दी से जी, जल्दी विवेचना हो ताकि ये साक्ष्य जो है वो उनका पता चले सही है या गलत है। जी, एक विमला जी आखिरी सवाल और है। उनकी पत्नी ने ये जो आरोप लगाया है, उन्होंने बकायदा वो सबूत के साथ इस बात को कह रही हैं। वो कह रही हैं कि शादी के बाद भी कई महिलाओं से अखिलेश चौरसिया ने नाजायज संबंध बनाए, इसकी जो विक्टिम 18 साल से लेकर बड़ी उम्र तक की महिलाएं रही हैं। तो ऐसे में ये तो बहुत बड़े आरोप हैं अपने आप में। अगर दोषी पाए जाते हैं अखिलेश चौरसिया तो क्या सजा हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, कानून जो तय करेगा वो सजा, जो कानून का प्रावधान है वही सजा होगी। हमारे आप कहने से कुछ नहीं होगा है, जो भी कानून कहेगा वो सजा मिलनी चाहिए। जो दंड उस जो उनके प्रावधान है तो दंड का इस केस में अगर कोई माने किसी महिला के साथ उनका नैतिक संबंध पकड़े जाते हैं, साबित हो जाते हैं, तो जरूर उस पर एक्शन होना चाहिए और ये एक एक्शन ज्यादा तेजी से होना चाहिए ताकि ये एक मिसाल कायम हो सके कि एक अधिकारी को भी माफी नहीं मिल सकती, अधिकारी भी उसी तरह से एक गुनहगार साबित हो सकता है जैसे एक आम आदमी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमला बाथम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनतंत्र टीवी से बातचीत करने के लिए। तो 2009 बैच का आईपीएस अधिकारी अखिलेश चौरसिया, जिस पर उनकी पत्नी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और एक चिट्ठी बाकायदा गृह मंत्रालय को इसके बाबत लिखी गई है, महिला आयोग को भी चिट्ठी लिखी गई है जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है।